आईफोन ऐसे 2020 में ऑलरेडी आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। पहले ये 42,500 का लॉन्च हुआ था, बट आप अभी करेंटली फ्लिपकार्ट में 38,000 रुपीज़ का पिक कर सकते हैं। क्रेजी बात यह है कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल्स में आप इसे 29,000 से लेकर 31,000 के बीच में पिक कर सकते हैं। एंड इस प्राइस रेंज या इस ऑफर को सुनने के बाद काफ़ी लोग कन्फ्यूज है कि इस प्राइस में आपको SE 20 लेना चाहिए या फिर एक एंड्रॉयड ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। एज समवन जिसने इसे पिछले 5 महीने से ऐसा प्राइमरी स्मार्टफोन यूज़ किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेटर चॉइस कौन सा है। एंड जो लोग इसे ना बाद में देख रहे हैं जब ये ऑफर वैलिड नहीं होगा, वो भी इसे ऐसे रिव्यू देख सकते हैं। शुरू करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। फोन में आपको एक प्रीमियम ग्लास यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है, मेटेलिक फ्रेम्स मिल जाता है, पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन भी मेटल का बनाया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा क्लिकी एंड टैक्टाइल है। इतना ज़्यादा यूसेज के बाद भी मैंने ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नोटिस नहीं किया। मेटेलिक फ्रेम में एक छोटा सा स्क्रैच मैंने नोटिस किया था एंड बैक में एक हल्का सा स्क्रैच मैंने नोटिस किया था। या फिर आप उन स्क्रैचेस को कम्प्लीटली रोक सकते हैं बाय यूजिंग केसेस एंड स्किन्स फ्रॉम दिस वीडियो स्पॉन्सर रिगियर। रिगियर एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्किन्स बनाती है, बट इनका स्पेशलिटी है स्किन केस केसेस। मतलब काफी लोगों को यार स्किन्स पसंद है क्योंकि वो कस्टमाइज हो सकता है, काफी लोगों को केसेस पसंद है क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है, बट इन्होंने दोनों को मिलाया। इनके वेबसाइट में जाना है आपको, एक केस सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर तरह तरह के स्किन्स आपको मिल जाते हैं जिसे आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड आप इसे ना एक ब्लैक या ब्लू जीन्स बता सकते हैं। एक बार आपने केस ले लिया, उसके बाद जब भी आप बोर हो गए, बस आपके वेबसाइट पर गए रिगियर के, एक और स्किन मंगवा लिया एंड आपने इस पर चिपका लिया। फिनिशिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है तो हीटिंग इशू का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप स्किन्स चाहते हो एंड्रॉयड साइड में तो Poco X3, Realme 7 सभी के स्किन्स वगैरह मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्रोमो कोड JTJones ऑल कैपिटल्स में JTJONES जरूर यूज़ करना इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। तो फोन इन हैंड काफ़ी कंफर्टेबल है, वन हैंड यूसेज आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ 148 ग्राम्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्मार्टफोन आप बता सकते हैं। एंड एक्सटेंडेड यूसेज के बाद भी आपको व्रिस्ट में कोई भी पेन नहीं होगा। यूसेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ, इसमें आपको 4.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 1334x750 का रेजोल्यूशन है, तो आप इसे 1080p और 720p के बीच का रेजोल्यूशन बता सकते हैं। डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन ऑन पॉइंट है, व्यूइंग एंगल्स एक्सेलेंट है, आउटडोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे आप सनी एरिया पे यूज़ कर रहे हो या फिर इंडोर ब्राइट कंडीशंस में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि 625 निट्स का ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। फ्रैंकली कहूँ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 720p का पैनल है इस स्मार्टफोन में। मीडिया कंसेप्शन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा थैंक्स टू द स्टीरियो स्पीकर्स जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, बट मैंने नोटिस किया था कि 90% या 95% वॉल्यूम के बाद हल्का सा टिनी हो जाता है, बट उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना लाउड है कि 90% से ज़्यादा मोस्ट कंडीशंस में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। बट कंपटीशन से कंपेयर करेंगे ना तो आपको बहुत ही बड़े बजल्स देखने को मिल जाते हैं। आजकल सारे फोन्स में आपको बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, बट इसमें ऊपर और नीचे इतने बड़े बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक टर्न ऑफ हो सकता है। बट अगर आप इसके साथ ओके हो तो आपको इसमें Touch ID देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर एक कन्वीनियंट लोकेशन में, एंड सॉफ्टवेयर के साथ इतने अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है, तो पेमेंट्स हो गया या ऐप परचेसेस सब कुछ काफ़ी बढ़िया करता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको A13 बायोनिक देखने को मिल जाता है, सेम प्रोसेसर है जो आपको iPhone 11 Pro Max में देखने को मिलता है, एंड उस स्मार्टफोन का प्राइस है 1 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा, तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ब्लेजिंग फास्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है, मैंने अभी तक एक भी फ्रेम ड्रॉप मैंने नोटिस नहीं किया। सिर्फ इसमें 3GB रैम देखने को मिलता है, फिर भी जो रैम मैनेजमेंट है ऑन पॉइंट है। इन सबको देखें ना ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड साइड में ना नंबर्स का अलग ही स्कैम चल रहा है। गेमिंग के बारे में बात करें तो गेमिंग भी ब्रीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी बड़े टाइटल आप इस पर प्ले करो एक्सपीरियंस एक्सेलेंट देखने को मिलेगा, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। पबजी वगैरह का गेमिंग टेस्ट मैंने चैनल पे कर रखा है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होगा बेजल्स के वजह से एंड सिर्फ 4.7 इंच के स्क्रीन के वजह से। इस वजह से काफ़ी लोगों को ना एक क्रैम्प्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि स्पेस नहीं है, मिस टचेस भी हो सकता है। एंड एक और चीज़, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए गेमिंग करोगे ना, हीटिंग भी होगा क्योंकि सिर्फ 4.7 इंच का बॉडी है, तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाता, इस वजह से हीटिंग थोड़ा सा है, बट चाहे जितना भी हीट हो जाए जो एक्सपीरियंस है गेमिंग वो ऑन पॉइंट देखने मिलता है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एक मेजर रीजन हो सकता है आईफोन SE 2020 लेने का, इसमें आपको iOS 14.0.1 मिल जाता है। जब iOS 14 का मेजर अपग्रेड आया था उस समय थोड़ा सा इश्यूज था, जैसे बैटरी ड्रेन का हो गया या फिर वाईफाई का डिस्कनेक्ट होने का इशू था, बट 14.0.1 जो करंट वर्जन है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आप इसे 13.7 जितना स्टेबल बता सकते हैं एंड उतना ही बैटरी लाइफ मिल रहा है, तो कोई भी इश्यूज नहीं है।
मिनिमम 4 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। काफी आईफोन्स को 5 ईयर्स का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड देखने को मिलता है। तो अगर आज आप स्मार्टफोन ले रहे हो 4 साल बाद भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चलेगा, तो ये इसका स्पेशलिटी आप बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाइज सपोर्ट काफी बढ़िया रहता है। iOS एज एन इकोसिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिलता, एड्स नहीं देखने को मिलता, ब्लॉटवेयर्स नहीं देखने को मिलता, क्लीन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। जो एंड्रॉइड साइड में APK डाउनलोड कर सकते हैं, पेड ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब आप इसमें नहीं कर पाओगे। एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें सारे ऐप्स पेड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डे टू डे यूसेज वाले कोई भी ऐप्स इसमें पेड नहीं है। एंड एक डेटा मैंने निकाला था, 91.8% कुछ फ्री ऐप्स है ऐप स्टोर में, बाकी सिर्फ जो 8% ऐप्स है वो पेड है। एंड वो ऐप्स हम रेयरली लाइफ में यूज करते हैं डे टू डे यूसेज में। अगर आप कोई प्रोफेशनल ऐप्स के बारे में बात कर रहे हो तो वो अलग बात है, बट रेयरली यूज करते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। iOS 14 में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आप विजेट्स वगैरह लगा सकते हो, वो काफी लोगों को इंटरेस्ट करेगा। दूसरा चीज, आप ऐप आइकन्स भी चेंज कर सकते हो, वो भी थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट देगा। प्राइवेसी फोकस्ड फीचर्स काफी ज्यादा है। मेरे को फेवरेट लगा, जब आप भी कैमरा ओपन करते हो ना तो एक ग्रीन डॉट दिखाता है, और जब भी आप कोई साउंड रिकॉर्ड करते हो तो एक ऑरेंज डॉट दिखाता है। तो जो भी पहले हम डरते थे ना कि फेसबुक हमारा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है या सेल्फी कैमरा अचानक ऑन हो रहा है, कोई भी रिकॉर्ड कर रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक ग्रीन एंड ऑरेंज डॉट से कंफर्मेशन हो जाएगा कि चल क्या रहा है। इसमें आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है एंड 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। नंबर्स पे बिल्कुल मत जाना, जो फोटोज आता है एक्सेलेंट, डायनामिक रेंज ऑन पॉइंट है, कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल देखने को मिलता है। एंड ये एक ऐसा कैमरा ना, आपने कहीं पे भी पॉइंट के शूट किया फोटो अच्छा ही आएगा। आप मतलब माइंड पे फ्री रह सकते हैं कि फोकस करने का कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली करता है। एंड ये सब कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो सेंसर यूज किया गया वो आईफोन 8 वाला है, मतलब अराउंड 3 to 4 ईयर्स वाला सेंसर है। बट A13 बायनिक की वजह से कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी को यूज करके इतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने मिलता है। अगर आप आउटडोर लाइटिंग में फोटोज लेते हो ना, तो आप इसे आईफोन 11 के कैमराज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मेन सेंसर की बात करो। बट सब कुछ इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं देखने को मिलता। ये एक चीज़ें काफ़ी लोग मिस करेंगे, या फिर टेलीफोटो लेंस भी आपको नहीं देखने मिलता। मैं डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पोर्ट्रेट फोटोज आता है ना, लिटरली 45,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट बता सकते हैं। एंड ये सिंगल कैमरा से लेते हैं, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा नेसेसरी है। आजकल आपने देखा होगा 10,000 के स्मार्टफोन में 4-4 कैमरा आते हैं, बट लिटरली कुछ काम नहीं करता। इससे तो बढ़िया यही है। मेरे को जो कमी लगा वो अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस का कमी लगा। टेलीफोटो भी रहें तो अल्ट्रा वाइड हो सकता है कि काफी सारे लोग यहाँ पे मिस करें। वीडियोस के बारे में बात करें तो 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 30 FPS तक आपको इसमें स्मार्ट HDR भी देखने को मिल जाता है वीडियो के लिए। एंड रिजल्ट्स मेरे को नहीं लगता बोलना चाहिए, मैं खुद दिखा देता हूँ, बेस्ट इन क्लास आप बता सकते हैं इस प्राइस रेंज में, बेस्ट इन क्लास। इस स्मार्टफोन का बिगेस्ट डाउन पॉइंट है इसका बैटरी लाइफ। इसमें आपको सिर्फ 1821 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। यस, 1821 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। एंड अगर आप हेवी यूजर हो, फ्रैंकली बता देता हूँ, आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। मीडियम टू लाइट यूजर, आप दिन पूरे दिन का यूजेज आपको मिल सकता है, हो सकता है कि आपको 8 बजे 9 बजे के आसपास चार्ज करना पड़े। एंड फ्रैंकली यार, अगर आप हेवी यूजर हो, अगर आपको हार्ड कोर गेमिंग करना है, सिर्फ पूरे टाइम LTE यूज करते हो, पूरे टाइम आप वीडियोज देखते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है ही नहीं। ये काफ़ी लाइट एंड मीडियम यूजर्स के लिए बनाया गया है, तो मैं ऑलरेडी फ्रैंकली बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको 5 वॉट का अडैप्टर देखने को मिलता है, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हो। 12 वॉट का अडैप्टर भी ले सकते हो, 18 वॉट का अडैप्टर आता है वो भी आप खरीद सकते हो। 18 वॉट का अडैप्टर से अराउंड 1 आवर में आप इसे फुल चार्ज कर पाओगे, या फिर वायरलेस चार्जर भी खरीद सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे चार्जर्स मैंने रख रखा है क्योंकि ज़रूरत है इसको। फ्रैंकली मेरे को 5.5 आवर्स टू 6.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। मैं एक काफ़ी लाइट यूजर हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए या फिर कॉलिंग के लिए, वीडियोस कैप्चर करने के लिए, उन सब के लिए यूज़ करता हूँ। लिटरली 0 आवर्स गेमिंग करता हूँ। एंड मैं आज का ही दिखा देता हूँ, अभी बैटरी परसेंटेज 13% पे। एंड स्क्रीनशॉट अभी ले लेता हूँ, मैं अटैच कर दूंगा। 5 आवर 32 मिनट्स का मेरे को अभी तक स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला, एंड काफ़ी लाइट यूजेज में। सिर्फ मैंने सोशल मीडिया ऐप्स चलाए, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, क्रोम, ब्राउजिंग वगैरह एंड वीडियोज़ वगैरह लेना, तो इस यूसेज में आपको ऐसा बैटरी लाइफ मिलेगा। अगर आप हार्डकोर यूजर हो तो बस इसे स्किप कर दो। बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आपको IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। कॉल क्वालिटी एक्सेलेंट है। 2 सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक फिजिकल सिम रहेगा एंड एक eSIM रहेगा। अगर आप चाहते हो कि eSIM वाला वीडियो देखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या आप वीडियो कैमरा रिव्यू या जो भी वीडियोस देखना चाहते हो जिसके बारे में अभी हमने बात की, वो सब हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। हैप्टिक फीडबैक एक्सेलेंट, टाइपिंग करते वक्त या फिर जब भी वाइब्रेट होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको फील करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। अगर आप एक बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आ रहे हो ना, तो आपको ये काफ़ी बढ़िया लगेगा।
ओके फाइनली क्या आपको ऐसे 2020 लेना चाहिए? जो भी बंदा इस फोन को लेगा ना वो इसके कैमरास के वजह से लेगा, वीडियो कैमरा कैपेबिलिटीज के लिए या फिर फोटोज के लिए जो उसका डायनेमिक रेंज वगैरह ऑन पॉइंट है, या फिर इस फॉर्म फैक्टर के लिए, काफी स्मॉल फॉर्म फैक्टर है, काफी लोगों को ये पसंद है, या फिर एप्पल के इकोसिस्टम में जो घुसना चाहता है। एप्पल के इकोसिस्टम में जाने के लिए दो एंट्री पॉइंट्स है, या फिर आपको आईपैड लेना पड़ेगा या फिर आईफोन लेना पड़ेगा, एंड ये चीपेस्ट ऑप्शन है एज ए प्रैक्टिकली सोचा जाए तो 30,000 या 37,000 रुपीज में अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में जाना चाहते हो, एप्पल इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो एंड आपने माइंड बना लिया है और आपको ये भी पता है कि इसमें बेजल्स इतने बड़े बड़े हैं, इसमें होम बटन मिलता है, फेस अनलॉक आपको नहीं देखने को मिलता, अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिलता, बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके बाद भी अगर आपने पहला चॉइस सेलेक्ट किया तो वेल एंड गुड, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप एंड्रॉइड साइड में देखोगे ना, काफ़ी लॉजिकल या काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट के सेल में 22,000 रुपीज़ के आसपास रियलमी का X3 वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, रियलमी X3 सुपर जूम वगैरह में भी काफ़ी बड़े ऑफर्स है, IQ के स्मार्टफोन्स में आपको 30,000 रुपीज़ में 865 वगैरह काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स आपको देखने मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली सोचोगे तो वो बेटर ऑप्शन है। बट जिनको ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर चाहिए या जिनको इसके वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्पल इकोसिस्टम में जाना चाहता है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन एंड चीपेस्ट ऑप्शन, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पहले कैटेगरी में आता हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ ऐसी 2020 को। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पे बहुत सारे टेक वीडियोस मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।